नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी की अपने ही YouTube चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको एक नहीं बल्कि दो अपडेट देने वाले हैं जो निकल के आ रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से। यानी एडमिशन के लिए फ्रेंड्स, अगर आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातक और पीजी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। सेशन की बात कर ले तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको आना है स्टूडेंट वाला कॉर्नर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का लिस्ट ओपन होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा यूजी एडमिशन 2021 UMIS, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसको डेस्कटॉप साइड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एडमिशन के लिए जितने भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है उसका लिस्ट यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेशन आपको 21-24 होगा यूजी के लिए और यहाँ पे पीजी के लिए 21-24 यहाँ पे दे रहा है फ्रेंड्स। एमसीए के लिए, एमबीए के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कोर्सेस यहाँ पे आपको देखने को उपलब्ध मिल जाएगी। सभी कोर्सेस यहाँ पे बीकॉम, बीएससी, एमसीए, बीसीए, बीबीए, ठीक है फ्रेंड्स। उस बाद यहाँ पे किसी कोर्स को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ बीएससी के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लास्ट डेट यहाँ पे 30/7/2021 लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आपको इसके सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। फिर आपको 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है और इसको आपको डेस्कटॉप साइड कर लेना है अगर नहीं किया है तो। अगर है तो उसके बाद आपको क्या करना है फिर क्लिक हेयर टू रजिस्टर वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा, यानी जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, यहाँ से आपको सब फिल कर देना है और आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने ही यहाँ पे आपको रजिस्टर सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा। यहाँ बता रहा है कि फ्रेंड्स योर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपका ईमेल आईडी में भेज दिया गया है। तो ईमेल आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपना ईमेल आईडी ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स BRABU की तरफ से आया मैसेज, यहाँ पे हम क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा लॉगिन का, यानी यू कैन लॉगिन का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल कर देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड आपको फिल करके और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे अब आपको मिलेगा फ्रेंड्स देखने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम मिल जाएगा इंग्लिश वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी में अपना नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देना चाहेंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा फ्रेंड्स आधार कार्ड। उसके बाद जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर यानी आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद आपको रिलीजन पे क्लिक करना है, आप किस धर्म से हैं अपना धर्म सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप कैटेगरी आपका कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस आपको डाल देना है जो आपका कंप्लीट एड्रेस होगा। इस तरह आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। इसमें आपका गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड और यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका स्टेट कौन सा है। उसके बाद यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आपका कंट्री कौन सा है। उसके बाद अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है उस कंडीशन में आपको चेकबॉक्स को चेक कर देना है, ऑटोमेटिक पूरा एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर्स का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको फादर्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेंड्स की देख सकते हैं यहाँ पे उनका पैसा, ऑक्यूपेशन। तो यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, ऑक्यूपेशन डाल दीजिएगा या नहीं तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी है कि एड्रेस टाइप उनका कौन सा है, परमानेंट एड्रेस है या कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप डाल दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके फादर्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो उस समय में आप एन ए क्लिक कीजिएगा, एन ए सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है फ्रेंड्स परमानेंट एड्रेस में डाल दीजिएगा, फिल करना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपना मदर्स नेम डाल देना है, उसी तरह
फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ से आपको डालना है क्वालिफिकेशन कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है। उस बाद उनका पैसा आप डाल सकते हैं या छोड़ दीजिएगा। उस बाद यहाँ पे एड्रेस टाइप में आपको डालना है प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डेंट, तो यहाँ पे भी परमानेंट आप डाल दीजिए। उस बाद चेकबॉक्स को चेक कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पूरा डिटेल्स आपको फिल हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे मिलेगा आपको सेव वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आप सेव वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका डिटेल्स सेव हो जाएगा, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट यहाँ पे आप कर दिए जाएंगे। उस बाद यहाँ से आपको ऑनर्स सेलेक्ट करना है कि आपको ऑनर्स कौन सा है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स फिजिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनर्स यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। उस बाद सब्सिडरी में यहाँ पे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है। उस बाद यहाँ से आप मैथमेटिक्स कॉस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। कॉम्पोजिशंस ग्रुप यहाँ पे आपको है, इसमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको लगे कि जहाँ हमको ये अच्छा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश या हिंदी जो हो। ठीक है, उसके बाद जनरल सब्जेक्ट में आपको जनरल स्टडी एक ऑटोमेटिक आपका रहेगा। उसके बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। गो पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपके कॉलेज लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना कॉलेज देखना है कि किस कॉलेज में अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ आरएलएस वाई, और इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा एमजेके कॉलेज। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको लगे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं, चेकबॉक्स कीजिएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड प्रेफरेंस ये हो गया। अब उसके बाद आपको जो मर्जी अपने हिसाब से थर्ड प्रेफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ फ्रेंड्स टीपी वर्मा कॉलेज को, मैं यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस, यानी तीन प्रेफरेंस ये आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स सेव वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक कीजिएगा, आपका डिटेल सेव हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा, आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका मैट्रिक डिटेल्स यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 12 डिटेल्स फिल करना है। हुआ सबसे पहले यहाँ से आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा कि आपका बोर्ड कौन सा था। उस बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पे पासिंग ईयर कब किए थे, किस ईयर में, यहाँ पे आपको मीडियम डालना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। उस बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम, सिटी, इंस्टीट्यूट का पिन कोड, और उस बाद आपको कितना परसेंट प्राप्त हुआ मार्क्स वो आपको फिल कर देना है। उसी तरह आपको इंटर वाला डिटेल्स भी आपको फिल करना है, पूरा डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। एरिया पिन कोड भी आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको मिलेगा यहाँ पे फिजिक्स वाला ऑप्शन में, फिजिक्स जो आप सेलेक्ट किए हैं और मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपको डालना है फ्रेंड्स फिजिक्स मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, मार्क्स कितने आए, टोटल मार्क्स कितने थे, यहाँ पे आपको प्राइमरी सब्जेक्ट इसको दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे उसी तरह आपको मैथ में भी डालना होगा, यानी आपको सभी डिटेल्स, जैसे यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री इंटर में आप लिए थे, उसके बाद आपको मैथ लिए थे, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, उसके बाद आपको इंग्लिश लिए थे, हिंदी लिए थे, सब डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। पहले इतना आपको फिल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो डिटेल्स फिल कर दिए। उसके बाद आपको एड सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। उस बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक न्यू कॉलम यहाँ पे रोड ऐड हो गया है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब उसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ फ्रेंड्स इंग्लिश। चलिए मैं पहले डालता हूँ केमिस्ट्री, तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री केमिस्ट्री आ गया, सिलेक्ट करना है। और उसी तरह आपको पूरा डिटेल्स आपको फिल करना है। केमिस्ट्री मेरा आया था 52 नंबर, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर कितना मार्क्स एग्जाम था, 100 मार्क्स का था। इसी तरह आपको टोटल डिटेल्स ऐड कर लेना है। एक बार और यहाँ पे हम बता दें फ्रेंड्स, जब इंग्लिश आप ऐड कीजिएगा तो इंग्लिश आपको 150 का था, तो आपको यहीं पे 150 आपको लिख देना है, इसमें जितना मार्क्स आया था वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको सेव वाला पेज पे क्लिक कर देना है, फिर आपका पेज सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपसे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के लिए। सबसे पहले आपको अपना फोटो यहाँ पे ऐड करना होगा, फोटो और सिग्नेचर ऐड कर लीजिए। कैसे यहाँ पे ऐड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। फोटो ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दिख रहा है यहीं बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको अपना फाइल में जाना है, जहाँ पे आप अपना फोटो रखे होंगे वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे आपका अपना फोटो रहेगा वहाँ पे क्लिक करते ही आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। उसी तरह आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। उसी तरह यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। एड्रेस प्रूफ में अपना निवास प्रमाण पत्र डाल सकते हैं, यहाँ पे जो मैंडेटरी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको
टेंथ का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको HSC यानी इंटर वाला मार्क्स, ट्वेल्थ वाला मार्कशीट डालना होगा, जो मैंडेटरी मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। बस इतना ही आपको अपलोड करने होंगे, बाकी सब मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है, मैं अपलोड कर लेता हूँ। सभी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जब एडमिशन के समय आपको जो आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा वो आपको देना मैंडेटरी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब आपको सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करते ही आपका जो डिटेल्स होगा और डॉक्यूमेंट्स होगा वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डिटेल सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको 600 पेमेंट करने होंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको पे नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपको वेट करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सब पैसा। तो यहाँ से मैं यहाँ पे आपको सब पैसा पेमेंट करके या SBI, चलिए मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं सब पैसा पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका डिटेल्स यहाँ पे सब शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लाइंट, यहाँ पे आपको नाम मिलेगा, यहाँ पे आपका अकाउंट, उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर मिलेगा, ईमेल ID मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या रुपे डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे मैं रुपे डेबिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट करना चाहता हूँ। तो अपना रुपे डेबिट कार्ड यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पे सबसे पहले अपना कार्ड डिटेल्स यहाँ फिल कीजिएगा। उसके बाद कार्ड पर जैसा नाम है नाम डाल दीजिएगा, कार्ड का एक्सपायरी डेट, ठीक है फ्रेंड्स, और ईयर, उसके बाद CVV नंबर आपको डाल के, और नीचे आपको मिलेगा पे नाउ का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से पेमेंट कीजिएगा, आपको रिसीविंग मिलेगा। रिसीविंग आप सुरक्षित रखिएगा, एडमिशन के समय आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का छोटा सा अपडेट। अगर इसी तरह का अपडेट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।